गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर में वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। वर्नर ने अपनी थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए दी थी, लेकिन वर्नर की थ्योरी हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर अप्लीकेबल नहीं थी, इसीलिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। बच्चों वर्नर की थ्योरी के ऊपर लिमिटेशन क्यों लगी? क्योंकि वो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब जो नई थ्योरी आई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत अच्छी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब हमें जो पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। बच्चों अच्छे से समझना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि क्या होती है ये और कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहली बात, ये थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग और स्लेटर, दोनों ने दी थी, ठीक है। अब बात आती है इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे, मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे कि पोलिंग और स्लेटर ने क्या कहा, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। सबसे पहली बात जो पोलिंग और स्लेटर ने बताई बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लीगेंट होते हैं, और मेटल और लीगेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो प्योरली कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होगा? कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लीगेंट इज प्योरली कोवेलेंट इंटरेक्शन, कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। अब अगली जो बात है बच्चों, जो काम की बात है, वो क्या है कि लीगेंट जब मेटल के साथ जुड़ेगा, देखो जब लीगेंट मेटल के साथ जुड़ेगा उसी टाइम पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बच्चों लीगेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, और मेटल जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। लीगेंट के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जाके जुड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैकेंट ऑर्बिटल जो खाली ऑर्बिटल है जिसके कारण मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उन ऑर्बिटल के साथ लीगेंट जुड़ेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बच्चों यहां पे ध्यान से समझना जरा, काम की बात क्या है। काम की बात यह है, लीगेंट अटैच विद वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है, एंड दीज ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल के साथ वो जुड़ेगा, दीज ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज टू गिव फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी इन ऑर्बिटल की, और कौन कौन से स्ट्रक्चर देंगे बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होती है। बच्चों देखो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हम 11th क्लास में भी पढ़ के आए, लेकिन हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। अब देखो क्या हुआ है, डी आगे आ गया, इसमें ये जो डी टू है ये पीछे, इसमें आगे आ गया, बस ये अंतर है, लेकिन दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ऑक्टाहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 है तो स्ट्रक्चर TBP होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा,
अगली जो बात है बच्चों काम की, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। अगली जो बात है बच्चों काम की वो है, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर होगा। ये बड़े काम की बात है, ये एक नया स्ट्रक्चर आया है और एक नई हाइब्रिडाइजेशन आई है dsp2। अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी उस टाइम स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, स्क्वायर प्लानर होगा। अब अगली बात बताता हूं तुम्हें, देखो जो बड़े काम की बात बताई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्लियरली इस बात को नहीं बताया था, बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया, या मैं ये कह सकता हूं इस पे एक लिमिटेशन लगी जो बाद में क्लियर की गई। वो जो क्लियर किया हुआ पॉइंट है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या इफ इफ ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, इफ ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन n-1 डी ऑर्बिटल यूज्ड। बच्चों बड़े काम की बात है, अगर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। अब ये n-1 डी ऑर्बिटल क्या होता है मैं बताता हूं, देखो बच्चों समझना, जैसे हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d10 4s2, ऐसे किसी की भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो ये है ये एन हो गया, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर ये n हो गया तो इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, n-1, इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, n-1 डी ऑर्बिटल है। समझ में आ रही है ना बात बच्चों। अब अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, तुम्हें चेक कर लेना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, देन कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उस टाइम जो कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। n-1 डी ऑर्बिटल जो है बच्चों इनर ऑर्बिटल है। अभी मैंने तुम्हें बताया था, देखो 4s यहां पे था, 3d यहां पे था, तो ये जो 3d है यही तो n-1d है और ये इनर ऑर्बिटल है, अंदर वाला ऑर्बिटल है, इसलिए कॉम्प्लेक्स को क्या नाम देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगली बात, इफ ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एन डी ऑर्बिटल अगर कभी भी यूज होता है, ऑर्बिटल इज यूज्ड, देन कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर dnd यूज हो रहा है, सबसे बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं तुम्हें इन्हें भी, जब मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा कैसे बाहर वाला डी यूज हो रहा है, कैसे अंदर वाला डी यूज हो रहा है, ये बड़े अच्छे से समझेंगे। अभी तो हम केवल इसके पॉइंट स्टडी कर रहे हैं बच्चों। इन सब के अलावा कुछ बातें हमें और याद रखनी है, जैसे क्या था बच्चों, ये जो VBT थ्योरी थी ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पे बेस्ड थी, यानी कि बनावटी कंसेप्ट के ऊपर। इसमें क्या किया गया, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक्सरे पास की गई। अब एक्सरे पास होने के बाद हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ गई कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अब उस कंपाउंड का जो भी स्ट्रक्चर उन्हें मिला उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन सेट कर दी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, यानी कि ये एक तरह से बनावटी कंसेप्ट था, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। पहले कंपाउंड की स्टडी की गई, फिर देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को डिजाइन कर दिया गया। लेकिन बच्चों ये जो थ्योरी है कुछ चीजों में फेल हो गई थी, जैसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो बता दिया, इसने कहा भाई ये स्ट्रक्चर होगा, लेकिन क्यों होगा ये कहने में ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसमें बच्चों में एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, हालांकि इसके बारे में बाद में एक नई थ्योरी आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसने बताया था, लेकिन मैं इस थ्योरी को आसान बनाने के लिए यहां एक पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें जो बड़े काम का है, तुम्हें नोट कर लेना है उसको, क्या
चलो यहां पे नोट डाल के लिखना तुम, क्या है कि जो लिगेंट की स्ट्रेंथ होती है, लिगेंट की जो ताकत होती है, लिगेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, कार्बन के लिगेंट सबसे स्ट्रोंग होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन के, उसके बाद ऑक्सीजन के, उसके बाद हैलोजन के। ये एक्स क्या है, ये एक्स है हैलोजन, ठीक है, ये हैलोजन है। बच्चों हम मानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के लिगेंट को तो स्ट्रोंग मानते हैं, और ऑक्सीजन और हैलोजन के लिगेंट को हम वीक मानते हैं। अब स्ट्रोंग लिगेंट और वीक लिगेंट काम क्या करते हैं? देखो बच्चों एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बड़े अच्छे से तुम्हें एक बात समझाई थी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके साथ जब लिगेंट आके जुड़ता है तो इनका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल या डी सबसेल है जिसके अंदर पांच ऑर्बिटल है, वो टूट जाता है दो हिस्सों में। कौन कौन से दो हिस्से? एक होता है टी टू जी और एक होता है ई जी। ये टी टू जी और ये ई जी, डी ऑर्बिटल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। अब एक बात सुनो, मान लिया डी डी सबसेल में टोटल तीन इलेक्ट्रॉन थे तो हम तीन इलेक्ट्रॉन कहां फिल कर देंगे? यहां फिल कर देंगे, एक दो तीन, ठीक है ना, स्प्लिटिंग के बाद यहां फिल कर देंगे। लेकिन अगर चार इलेक्ट्रॉन थे तो हमारे सामने समस्या है बहुत बड़ी। समस्या क्या है कि फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर भेजूंगा या यहां पे फिल करूंगा? देखो बच्चों इनके बीच में एनर्जी गैप है। तुम ये नहीं कह सकते कि सर हंस रूल तो ये कहता है कि सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, लेकिन बच्चों हंस रूल जो होता है ना वो ये कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। हमने देखो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया सेम एनर्जी वाले में। अब हमारे पास मान लो यहां पे टोटल चार इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन हम जरूरी नहीं है यहां पे फिल करें, क्योंकि इसकी एनर्जी तो ज्यादा है, हम यहां पे भी फिल कर सकते हैं, यहां पे भी फिल कर सकते हैं। इसके बारे में बताता है हमें लिगेंट। अगर हमारा लिगेंट स्ट्रॉन्ग है, देखो अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, इस टाइम पे हमें ये देखना पड़ेगा लिगेंट कैसा है हमारा। अगर हमारा लिगेंट स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा और हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने लग गए, पेयरिंग होने लग गई है। और अगर हमारा लिगेंट वीक है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ऊपर जाएगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन तक तो सिंगल सिंगल आएंगे, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग स्टार्ट कर सकता है। अब वो पेयरिंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है लिगेंट की ताकत के ऊपर, लिगेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर हमारा लिगेंट स्ट्रोंग है, अगर लिगेंट स्ट्रोंग है तो पेयरिंग होगी, और अगर लिगेंट वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रोंग लिगेंट, स्ट्रोंग लिगेंट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पेयरिंग डज नॉट अकर इन केस ऑफ, डज नॉट अकर इन केस ऑफ वीक लिगेंट। वीक लिगेंट में पेयरिंग नहीं होगी, उस टाइम में जैसे चल रहा होगा वैसे होगा, जैसे एक दो तीन चार, चौथा यहां चला जाएगा, पांच, पांचवा यहां चला जाएगा, फिर सिक्स आएगा तो सिक्स यहां पे आ जाएगा, फिर सेवन आएगा तो सेवन यहां पे, एट तो एट यहां पे, नाइन यहां पे, टेन यहां पे। वो जो सिंपल हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करते हैं ऐसे होगा अगर लिगेंट वीक है तो। और अगर लिगेंट स्ट्रांग है तो पहले ये पूरी तरह से भरेगा, छह इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? अब सुनो एक और बात तुम्हें जो बताता हूं मैं काम की, वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग फोर्थ इलेक्ट्रॉन से होती है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, वहां से पेयरिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले पेयरिंग नहीं होती। कभी भी तुम ये मत समझना, मान लिया तीन इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, और तुम यहां पे पेयरिंग कर दो, ऐसे लिख दो तुम एक दो और तीसरा यहां पे, तो बच्चों ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तीन इलेक्ट्रॉन के बाद में होती है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन आता है वहां से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होती है। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? तो बच्चों देखो इतना हमने पढ़ा वीबीटी थ्योरी के बारे में, अब हम बड़े आराम से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। चलो सबसे पहले
देखो ये वाली बात अपनी नोटबुक में लिख लेना तुमने। अब जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सीधे सीधे लिखूंगा इनके बारे में कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, ये वाली बात। चलो बच्चों अब सुनो तुम ध्यान से। सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सी आर एच टू ओ सिक्स और इसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज, हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब बच्चों स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें जो ये हमारा मेटल है इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक्स मान लिया, H2O लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो बच्चों 0 × 6 और टोटल के ऊपर प्लस 3 चार्ज, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई प्लस 3। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ गई है प्लस 3। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्या आता है, जो क्रोमियम है उसका नंबर 24 होता है मैं जानता हूं, और क्रोमियम की कॉन्फिगरेशन होती है आर्गन 3D5 और 4S2, ये होती है मैं जानता हूं, सॉरी 4S1 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है मैं जानता हूं। इसका नंबर 18 होता है, 18 और 5 23 और 1 24, सही बात है। अब इसके बाद सुनो, क्रोमियम के ऊपर प्लस 3 चार्ज है क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, तो क्रोमियम प्लस 3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, आर्गन एक यहां से चला गया, दो यहां से जाएंगे तो 3D3, समझ में आ गई बात, 3D3 और ये 4S अब खाली रह गया, क्लियर है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं क्रोमियम प्लस 3 कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ये 3D ऑर्बिटल है, ये 3D है, 1 2 और ये 3 4 और ये 5, ये हमारा क्या है, ये है 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 और 3। 3D के बाद कौन आएगा, 3D के बाद आएगा 4S, 4S के बाद क्या आएगा, 4P। हालांकि ये सारे खाली पड़े हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4S के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 4S के बाद 4P वो भी खाली पड़ा है। अब सुनो तुम ध्यान से बच्चों काम की बात क्या है, अब हमें ये देखना है लिगेंट कैसा है, लिगेंट H2O है बच्चों, H2O में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा एटम है, तो O बना रहा है। O वाले लिगेंट, ऑक्सीजन वाले लिगेंट तो वीक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बच्चों यहां काम की बात क्या है कि चाहे लिगेंट स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो, इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों तक पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग चौथा इलेक्ट्रॉन करता है, तो यहां स्ट्रोंग लिगेंट का किसी तरह से कोई सीन नहीं होता क्रिएट। अब सुनो जरा काम की बात क्या है, अब हमें लिगेंट जोड़ने कितने हैं, हमने 6 लिगेंट जोड़ने हैं, ठीक है, कितने लिगेंट जोड़ने हैं, 6। अब लिगेंट जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल में जाके जुड़ता है, 6 लिगेंट है तो हमारे पास उस मेटल के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 ये वैकेंट ऑर्बिटल है मेटल के, यहां किसको जोड़ देना है तुमने, H2O को, H2O को, यहां भी H2O, यहां भी H2O और यहां भी H2O और यहां भी H2O, 6 जगह H2O जुड़ गया। अब बताओ जब H2O जुड़ा तो कौन कौन से ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई, D के तो 2 हैं, 1 S का है, 3 P के हैं, तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई D2SP3। अब मुझे ये बताओ जो D यूज हो रहा है, D कौन सा यूज हो रहा है, देखो 4S 4P, मतलब N की वैल्यू 4 है, तो ये जो 3D है इसको मैं क्या बोलूंगा, N-1D बोलूंगा, तो अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है बच्चों, और अंदर वाला d ऑर्बिटल अगर कभी भी यूज होगा तो वो इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स होगा। इस कंप्लेक्स को क्या नाम दूंगा मैं, ये है इनर ऑर्बिटल, मैं लिख देता हूं, सिंस N-1D ऑर्बिटल यूज्ड, सो इट इज इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ही होगा ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो बड़े काम की है हमारे लिए, देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगली जो बात है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, अगर जो ये
हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो क्या होते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो बच्चों हम कंप्लेक्स को नाम देते हैं पैरा मैग्नेटिक कंप्लेक्स, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है तो कंप्लेक्स को नाम देंगे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम यहां एक और बात लिखेंगे, सिंस देयर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, So it is paramagnetic substance. ये एक paramagnetic substance है, ठीक है। अब सुनो अगली जो बात है हमारे पास वो क्या है, अगर substance paramagnetic होता है तो ये बात हम पहले जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें भी पढ़ के आए थे, तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं बच्चों, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट, और यूनिट होती है बीएम बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब n क्या होता है, n जो होता है बच्चों नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, n क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इस वाले कंप्लेक्स में n की वैल्यू क्या है, एक दो तीन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, एन की वैल्यू है तीन, तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट आया, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर आया थ्री इंटू थ्री प्लस टू का अंडर रूट, तो आ गया अंडर रूट 15, और अंडर रूट 15 की वैल्यू होती है 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। सही है, समझ में आ गई बात। तो देखो कितना आसान है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सारी जानकारी देना, हमने क्या क्या बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा ये बता दिया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया। तो हमने इस कंपाउंड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड के ऊपर, चलो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास वो है CO F6 3-, कोबाल्ट का एक कंप्लेक्स है CO F6, और उसके ऊपर चार्ज कितना है 3-। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक्स मान लिया, हमें पता है फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो क्या होगा बच्चों -1 × 6, और पूरे के ऊपर चार्ज कितना है 3-, तो 3- इधर लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, x-6 = -3, x बराबर कितना आ गया +3, ये आ गई हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है यहां तक की बात, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली हमारे कंसेप्ट के ऊपर, क्या अब हमें देखना है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3D7 4S2, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये आता है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 में क्या होगा, +3 में ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 यहां से 1 यहां से, तो अब डी में कितने बच गए 6, ठीक है। अब कोबाल्ट +3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये इसका डी ऑर्बिटल, ये इसका डी हो गया, ठीक है 3D हो गया, 3D के बाद क्या आएगा, 3D के बाद आएगा बच्चों 4S, 4S के बाद क्या आएगा, 4S के बाद आएगा 4P, ठीक है, और वैसे 4P के बाद क्या आएगा, 4P के बाद आएगा 4D, 4P के बाद क्या आता है 4D, अगर ये लिखने की जरूरत है तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, वैसे मैं बता रहा हूं 4P के बाद 4D आता है, ये सारे खाली पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है, इलेक्ट्रॉन D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा लिगेंट कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है 4 इलेक्ट्रॉन से ऊपर। अब मैंने लिगेंट क्या देखा, लिगेंट तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब हैलोजन, एक वीक लिगेंट है, वीक लिगेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो अब हमें
अब हमें जोड़ने हैं लिगेंड को। अब लिगेंड को जुड़ने के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है ना। अब यहां जोड़ा मैंने क्या, फ्लोरीन, यहां क्या जोड़ा फ्लोरीन, यहां क्या जोड़ा फ्लोरीन, यहां भी क्या जोड़ा फ्लोरीन, यहां क्या जोड़ा फ्लोरीन और यहां क्या जोड़ा फ्लोरीन। अब यहां से यहां बताओ हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, 1s 3p और 2d के, 3p के ऑर्बिटल, 1s का ऑर्बिटल, 2d के ऑर्बिटल, तो sp3d2। अब देखो एक बात सुनो, काम की बात क्या है, पिछले वाले कंपाउंड में d2sp3 आ रही थी, इसमें sp3d2 आ रही है। देखो जो d ऑर्बिटल है वो बाहर वाला यूज हो रहा है, आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं ND ऑर्बिटल यूज हो रहा है। बच्चों यहां देखो जो D ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो ND यूज हो रहा है, और ND ऑर्बिटल अगर कभी भी यूज होगा तो वो कंप्लेक्स होगा क्या, आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो मैं कह सकता हूं बड़े आराम से कि ऑक्टाहेड्रल होगा, और साथ के साथ क्या ND ऑर्बिटल यूज, सो कंप्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स जो कंप्लेक्स है वो ये होगा। सही है यहां तक की बात। चलो अब इसके बाद भाई हम ये कह सकते हैं यहां 1, 2, 3, 4 चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके बारे में एक और बात बता सकता हूं कि ये वाला कंप्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक कंप्लेक्स है, और इसका म्यू इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं निकाल सकता हूं। एन की संख्या कितनी है, या एन की संख्या 4 है, तो 4 × 4 + 2 तो हमारे पास कितना आ गया, √24 बोहर मैग्नेटोन, और इसको मैं लिख सकता हूं 4.9। सॉरी बच्चों देखो लास्ट वाले में मैंने 4.9 लिख दिया, तो उसको सही कर लेना, उसको 3.9 कर लेना। √15 की वैल्यू 3.9 होती है, ना कि 4.9, वो जल्दी में लिख दिया शायद मैंने, ठीक है ध्यान रखोगे। इसका क्या आ गया 4.9, क्लियर है यहां तक की बात। चलो अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास नंबर तीन बच्चों ले रहे हैं Fe CN6 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो क्या हुआ -1 × 6 पूरे के ऊपर -3 चार्ज है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया x − 6 = −3, तो x की वैल्यू आ गई +3, मतलब कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मेरे पास, सही बात है। इसके बाद क्या हुआ, आयरन का नंबर मैं जानता हूं 26 होता है, 26 की कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s2। बच्चों एक बात तुम्हें ध्यान रख लेनी है, तुम्हें 21 से लेके 30 तक के जो हमारे एलिमेंट है उनकी कॉन्फिगरेशन टिप पे होनी चाहिए अगर हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो अब सुनो जरा तुम ध्यान से, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 में क्या होगा, आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 यहां से गए 1 यहां से गया, तो 3d5 बच गया। अब आयरन +3 के अंदर मैं लिखता हूं क्या, डी के 5 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 3d हो गया। इसके बाद ये हमारे पास 4s हो गया, और ये हमारे पास 4p हो गया, ये 4p हो गया। अब d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अगली कहानी सुनो यहां जो बड़े काम की है। लिगेंट कैसा है, कार्बन का है लिगेंट, किसका लिगेंट है, कार्बन का। यहां जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन के थ्रू बन रहा है, इसीलिए इस लिगेंट को कार्बन का लिगेंट मानते हैं। कार्बन का है लिगेंट, और कार्बन का लिगेंट तो स्ट्रांग होता है, और अगर ये स्ट्रांग लिगेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग कैसे करेगा, तो मैं यहां कह देता हूं सिंस CN- इज स्ट्रांग लिगेंट, सो pairing of electron takes place,
यहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होगी तो कैसे होगा बच्चों, Fe जो है प्लस थ्री में, अब कैसे हो जाएगा, ये जो पांच इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, पांच इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग देखो कैसी होगी, एक दो तीन चार पांच, ऐसे हो जाएगी पेयरिंग। तुम लिख के देख सकते हो, पेयरिंग ऐसे करके देख सकते हो कि भाई डी ऑर्बिटल ऐसे टूटता है दो सेट में। अब हमें पांच इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पांचों के पांचों यहीं पे आ जाएंगे नीचे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो मैंने पांच ऐसे सीधे शुरुआत वाले सेल में ही लिख दिए, समझ में आ गई बात, शुरुआत वाले ही ऑर्बिटल में लिख दिए। ये 3D है, उसके बाद ये खाली पड़ा 4s है, उसके बाद ये खाली पड़ा 4p है, ठीक है ना। अब हमें कितने लिगेंड जोड़ने हैं, छह लिगेंड जोड़ने हैं। खाली ऑर्बिटल में जोड़ना स्टार्ट करो, ये पहला साइनाइड जुड़ा, ये दूसरा साइनाइड जुड़ा, ये तीसरा यहां पे जुड़ा, फोर्थ यहां पे जुड़ा और ये सिक्स्थ यहां पे जुड़ा, सॉरी 1 2 3 4 5 5 और ये सिक्स्थ यहां पे जुड़ा, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो तुम, D2SP3, अरे आई की नहीं, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन, और D2SP3 है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, N-1d ऑर्बिटल यूज हो रहा है और कॉम्प्लेक्स हुआ इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सही बात है। अब मुझे ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो बच्चों इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हुआ, ये पैरामैग्नेटिक हुआ। तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और इसका अगर मैं म्यू निकालू तो म्यू आएगा 1 × 1+2 का अंडर रूट, क्योंकि यहां एन की वैल्यू 1 है, तो बच्चों अंडर रूट 3 बोहर मैग्नेटोन आ गया, और अंडर रूट 3 की वैल्यू तुम जानते हो 1.73, तो वो लिख देंगे हम, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ये स्ट्रक्चर होगा, और ये इसकी कंप्लीट डाटा हमने निकाल दिया। चलो अब अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है नंबर 4, Fe CN6 4- चार्ज। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, और इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अल्टरनेट ईयर्स में, CBSE पूछता रहता है लगातार, बहुत बार आ चुका है ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों, इन दोनों का ही डाटा बना के वो क्वेश्चन देता है हमें। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X-1 × 6 और बराबर -4, X-6 = -4, एक्स की वैल्यू आ गई +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आयरन की +2, सही है। चलो आगे इसके बाद चलते हैं, क्या है इसके बाद, आयरन जो है 26 नंबर, तो आर्गन 3D6 4S2, इसके बाद आयरन प्लस दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्या, आर्गन 3D6। अब प्लस दो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कैसे लिखेंगे आयरन को, हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए डी के, 3D के 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास है 4s, इसके बाद 4p खाली पड़ा है, ठीक है। अब लिगेंट कैसा, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंट इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देगा, पेयरिंग, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग कर देगा। अब तुम ये बताओ पेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग के बाद 6 के 6 यहां पे आ जाएंगे, ये शुरुआत के जो 3 ऑर्बिटल यहां पे आ जाएंगे सारे के सारे। तो मैं क्या कहूंगा, CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंट, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, तो Fe जो है प्लस दो में अब क्या हो जाएगा, अब कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, ये दोनों खाली रहेंगे, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, ठीक है, ये 4p और ये 4s, क्लियर है यहां तक की बात। चलो बच्चों अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं, हमें कितने लिगेंड जोड़ने, 6 लिगेंड जोड़ने। ये पहला लिगेंड जोड़ा साइनाइड, ये दूसरा साइनाइड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। अब देखो जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है, डी टू
एस पी थ्री और डी टू एस पी थ्री में एन माइनस वन डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स है ये, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स है। अब मुझे ये बताओ क्या यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैं यहां कहूंगा देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो इट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। समझ में आई बात? जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पता क्या कहेगा, FeCN6 3 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हाइल FeCN6 4 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाई? ये वाला क्वेश्चन पूछता है, तो तुम बड़े आराम से सोल्व करके बता सकते हो कि वो डायमैग्नेटिक क्यों है, वो पैरामैग्नेटिक क्यों है। क्लियर है बच्चों? कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर चलते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमें बताना है। बच्चों नेक्स्ट है नंबर 5, CONH3 6 और इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज, ठीक है, हमें इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है। चलो निकालते हैं, ये एक्स है हमारा, अमोनिया पे 0 होता है, बराबर प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस 3। अब हम एक बात और जानते हैं, कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का नंबर 27, 27 की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D7 4S2 और कोबाल्ट की प्लस 3 में कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और ये 3D6, ठीक है। चलो अब कोबाल्ट प्लस 3 में ही लिखते हैं, डी में कितने 6, 1 2 3 4 5 6, ये डी में, ये 4s खाली पड़ा है, ये 4p खाली पड़ा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, सेम NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंट, सो पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग, पेयरिंग अगर हो जाएगी तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 3D, ये 4S और ये 4P, यहां जोड़ना स्टार्ट करो, एक जोड़ा NH3, यहां दूसरा NH3, यहां तीसरा NH3, यहां फोर्थ NH3 और यहां फिफ्थ NH3 और यहां सिक्स NH3, ये जोड़ा। अब देखो जरा यहां से क्या आई हाइब्रिडाइजेशन, D2SP3, तो ये कैसा N-1D ऑर्बिटल यूज हुआ, तो ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स, लिख लेना इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स है ये। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां है नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक है, कैसा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब बच्चों ऐसे ही है ना, एक स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रा करना है, Fe H2O6 के ऊपर प्लस 3 चार्ज, इसका स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रा करना है, ठीक है, कर लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। Fe H2O6 के ऊपर प्लस 3 चार्ज है, अरे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, लिगेंट वीक है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। फिर सेवंथ तुम्हें इसका ड्रा करना है Fe F6 और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, इसका ड्रा करना है। यहां भी बड़ा आसान है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फ्लोरीन एक वीक लिगेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। बच्चों ये 7 स्ट्रक्चर तुम्हें अपनी नोटबुक में कर लेने, इससे आगे का, अभी तो हम केवल sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद अलग भी आएगा जिसमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों ध्यान से पढ़ना, जो भी डाउट आता है मेरे से पूछना। थैंक यू।